नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम राज एसोसिएट्स में। आज हम आपके लिए ऐसा 3 BHK लेके आए हैं जिसके साथ साथ आपको मूवी थिएटर, जिम, प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, गार्डन टेरेस, सारी सुविधाएं आपको इसके साथ मिलती है। इसके लेआउट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी एंट्रेंस होने वाली है, ये आपका पैसेज तैयार किया गया है। यहीं पे आपका एक बहुत बड़ा सा ड्रॉइंग एरिया आने वाला है जिसके साथ आपको डाइनिंग एरिया भी मिलता है। इस साइड से आपका एक पहला बेडरूम है जो कि आपका किड्स बेडरूम रहेगा। यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम है, ये आपका किचन है, ये आपका दूसरा बेडरूम है और ये आपका तीसरा बेडरूम है। शुरुआत कर लेते हैं अपने ड्रॉइंग एरिया से। तो ड्रॉइंग एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको 8-सीटर सोफा लगा के दिया जाता है, 2 कॉफी टेबल लगा के दिया जाता है। व्हाइट कलर की थीम यहाँ पे यूज की गई है सोफा रखने में। बैक वॉल की बात कर ले तो पूरा वर्क यहाँ पे POP का किया गया है। दोनों साइड से आपको वॉलपेपर और 2 लैंप्स भी मिलते हैं। अपर साइड की बात करें तो फॉल सीलिंग आप देखेंगे, बहुत ही प्यारे एंड मॉड्यूलर लुक में आपका फॉल सीलिंग तैयार किया गया है। ब्लू एंड व्हाइट लुक में आपकी फॉल सीलिंग है। बहुत सारी फैंसी लाइट्स आपको दोनों तरफ से मिलने वाली है। बीच में बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा सैंडलर भी यहाँ पे लगा के आपको दिया जाता है। ठीक इसी के सामने आपको बहुत ही एक अच्छे लुक में डिजाइन में टीवी पैनल बनाया गया है। बहुत ही बड़े एरिया का टीवी पैनल है, बड़े से बड़ा टीवी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ स्टोरेज एरिया मिलते हैं, तो इस तरीके से आपको स्टोरेज एरिया दोनों साइड से मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको कुछ एरिया मिलते हैं, आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको एक लाइट लगा के दी जाती है। इसके बैक की बात कर ले तो लोअर्स का यूज किया गया है। ऊपर इसी के ठीक आपको AC की वायरिंग मिल जाती है। इस साइड से आपको एक बहुत ही बड़े एरिया में पूरे के पूरे क्लॉक के लिए ही यहाँ पे जो पूरा डिजाइन दिया गया है सर्कुलर में POP के काम से पूरा डिजाइन दिया गया है, पूरा क्लॉक के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे क्लॉक भी आपको लगा के दिया जाता है। फुल्ली फर्निश्ड का मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, दोनों ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ आपका डाइनिंग एरिया सेट किया गया है। 4 सीटर आपको यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी मिलता है। इस साइड से भी आपका लोअर का काम किया गया है और इसके ऊपर भी आपको एक लैंप मिलता है बहुत ही प्यारा सा। ठीक डाइनिंग एरिया के सामने आपका किचन एरिया आता है, तो जरा एंट्रेंस देखेंगे किचन की। बहुत ही अच्छी प्रोफाइल लाइट का वर्क किया गया है, यहाँ पे आपकी एक लाइट्स लगी हुई है। पूरा अपर का काम देखेंगे तो ब्लू लुक में आपका फॉल सीलिंग तैयार किया गया है। यहाँ पे आपको एक लैंप मिलता है। ये आपका किचन का एरिया है। फ्रिज का स्पेस आप ढूंढ रहे होंगे तो यहाँ पे आपकी फ्रिज आने वाली है। स्विचेस भी आपको यहाँ पे लगा के दिए जाते हैं। तो ये एरिया आपका किचन का है। पूरा का पूरा फ्लैट 100 गज में तैयार किया गया है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंक मिलता है, यहाँ पे आपको प्यूरीफायर भी सेट होके ही मिलता है। एक्वाफ्रेश का यहाँ पे प्यूरीफायर यूज किया गया है। सारी की सारी सैनिटरी फिटिंग यहाँ पे SSI कंपनी की गई है। और यहाँ अपर कैबिनेट्स की बात करें तो इस तरीके से आपके कुछ अपर कैबिनेट्स रहने वाले हैं। इस साइड से भी आपके ये अपर कैबिनेट्स हैं। सेंसर वाली यहाँ पे चिमनी यूज की गई है और नैनो स्लैब का यहाँ पे यूज किया गया है। लोअर कैबिनेट्स की बात करें तो ये कुछ आपके लोअर कैबिनेट्स हैं। तो इस तरीके से आपके लोअर कैबिनेट्स बहुत ही एक अच्छे स्पेस में आपको लोअर कैबिनेट्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा किचन एरिया है। चलते हैं अपने पहले बेडरूम की ओर। तो ये हमारा पहला बेडरूम है। स्पेस बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, मूवेबल एरिया बहुत ही अच्छा है। दोनों साइड से आप स्पेस देखेंगे, बेड रखने के बाद भी बहुत अच्छा बसता है। आप अपनी अलमीरा यहाँ पे प्लेस आराम से कर सकते हैं। तो इतना आपका बेड एरिया है, यहाँ तक कि आपकी कुशनी की गई है। पीछे पूरा वर्क आपका वॉलपेपर से किया गया है। फॉल सीलिंग का वर्क देखेंगे तो कुछ एक डिफरेंट लुक में आपका फॉल सीलिंग तैयार किया गया है। अगेन ब्लू लाइट यहाँ पे यूज की गई है। तो यहाँ पे आप अपना टीवी प्लेस करने वाले हैं, इसी के ऊपर आपको एक लैंप भी मिलता है। जो गेट यहाँ पे यूज किए गए हैं आप देखेंगे, ये मैग्नेटिक यहाँ पे सिस्टम यूज किया गया है। इस तरीके से अपने आप जाके ये लग जाते हैं, बिल्कुल अपने आप खुलेंगे नहीं। यहाँ पे आपको एक लैंप भी लगा हुआ दिया जाता है। इसके साथ वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलती है, ऊपर विंडो एसी के लिए स्पेस मिलता है, कर्टेन लगा हुआ है। यहाँ से आपको बैल्कनी का एक्सेस मिलने वाला है। तो बहुत ही ब्रॉडर वाइड यहाँ पे आपकी बैल्कनी तैयार की गई है। 4 फुट का यहाँ पे डिस्टेंस रखा गया है। यहाँ पे आपको टेबल चेयर दोनों मिलता है, अच्छी एक हाइट दी गई है ग्रिल की भी। बैक में और फ्रंट की बात करें तो वुडन टेक्सचर में टाइल का यूज किया गया है। ऊपर वुडन टेक्सचर में टाइल का यूज किया गया है। सैंडलर भी बहुत ही प्यारा सा लगा हुआ है। फ्रंट में आपको 30 फुट का रोड मिलता है। इस साइड से आपका एक टैप भी लगा के दिया जाता है, वॉशिंग का वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के बाद आपने पहला बेडरूम देख लिया जिसके साथ आपका बालकनी का एक्सेस था। चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की ओर। तो ये हमारा दूसरा बेडरूम है। ब्लैक थीम यहाँ पे यूज की गई है। दूसरे बेडरूम में बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोनों साइड से आपको वार्डरोब सेक्शन तो मिलते ही है, साथ में आपको यहाँ पे स्पेस भी मिलता है वार्डरोब सेक्शन रखने के बावजूद भी। तो इस तरीके से आपका वार्डरोब सेक्शन पूरा का पूरा रहेगा। नीचे आपको 2 स्टोरेज एरिया मिलते हैं, दोनों साइड से आपको लैंप मिलता है। यहाँ पे आपके टीवी पैनल बनाया गया है और वॉलपेपर का यूज यहाँ पे किया गया है। ऊपर आपको कुछ स्टोरेज एरिया मिलते हैं। फॉल सीलिंग की बात करें तो ऊपर आपको इस तरीके से ब्लू एंड व्हाइट लुक में फॉल सीलिंग मिलेगी और यहाँ पे 2 आपको फैंसी लाइट भी लगे हुए मिलते हैं। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स लगी हुई है, आप अपनी फैमिली फोटो भी यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। इसके साथ वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलती है, ऊपर विंडो AC के लिए अगेन स्पेस मिलता है। यहाँ पे अटैच है आपका वॉशरूम।
तो इस तरीके से आपका वॉशरूम तैयार किया गया है। यहाँ पे ये आपका शावर एरिया है, ये आपका वॉल माउंटेड वॉश बेसिन है और इसी के ऊपर यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, लुकिंग मिरर भी मिलती है और अंदर भी स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है। तो इस तरीके से हमारा अटैच वॉशरूम है। तो आपने किचन देख लिया है, पहला बेडरूम देख लिया है, दूसरा बेडरूम देख लिया है, इसके बाद चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की ओर। तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े साइज में वॉश बेसिन लगा के दिया जाता है, नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं, दोनों हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर आपको दोनों की सप्लाई यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एक लुकिंग मिरर मिलती है जिसमें अपने आप क्लिक करने पे आपके लाइट भी चेंज होंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पे एक हेयर ड्रायर भी मिलता है, तो इस तरीके से ये आपका हेयर ड्रायर भी यहाँ पे लगा के दिया जाता है। सारी की सारी चीजें आपको इस फ्लैट में मिलने वाली है। सेपरेशन किया गया है ग्लास सेपरेशन। यहाँ पे आपका शावर एरिया है, ये आपका शावर एरिया है, बहुत ही मॉड्यूलर यहाँ पे शावर एरिया भी बनाया गया है। यहाँ से भी आपका वाटर प्रेशर आएगा, यहाँ से भी जिस तरीके से आप मेंटेन करेंगे उस तरीके से ये सेट हो जाएगा। तीन स्पेसेस यहाँ पे दिए गए हैं आपके वाटर के लिए, तो बहुत ही मॉड्यूलर लुक में यहाँ पे आपका शावर एरिया बनाया गया है। इसके साथ आपको यहाँ पे गीजर भी फिट करके दिया जाता है, तो हर एक चीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है, आपको खुद से एक भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं अपने लास्ट थर्ड बेडरूम की ओर। ये आपका किड्स बेडरूम रहने वाला है। यहाँ पे आपको एंटर करते ही आप देखेंगे बहुत ही बड़े एरिया में स्टडी टेबल यहाँ पे लगाया गया है, एक लैंप लगी हुई है, स्टोरेज एरिया मिलते हैं, नीचे आपको ड्रॉर्स मिलते हैं, इधर भी आपको स्टोरेज एरिया मिलने वाले हैं, वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलती है। ऊपर आप स्पेस देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल क्लाउड के टेक्सचर में आपका फॉल सीलिंग तैयार किया गया है ब्लू एंड व्हाइट लुक में। ये आपका पूरा का पूरा बेड एरिया है, पीछे बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी यहाँ पे कुशनिंग की गई है, रैबिट ईयर्स यहाँ पे लगे हुए हैं कुशन में। जो बैक वॉल की बात करें वो भी कुछ अपने फॉल सीलिंग जैसा ही बना हुआ है क्लाउड लुक में। इसी के फ्रंट में आप अपना टीवी प्लेस करने वाले हैं, स्विचेस आपको यहाँ मिलते हैं, ऊपर आपको एसी की वायरिंग मिलती है, इस साइड से आपको लुकिंग मिरर मिलता है, ड्रेसिंग एरिया ये आपका होने वाला है, नीचे आपको स्पेस मिलता है, ऊपर आपको स्टोरेज एरिया मिलने वाले हैं और यहाँ पे आपको स्लाइडिंग वार्डरोब भी मिलते हैं। तो दोनों साइड से आपको स्लाइडिंग वार्डरोब मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा तीसरा बेडरूम है। पूरे के पूरे फ्लैट में वुडन फ्लोरिंग यूज की गई है और आपने अभी तक सारी चीजें देख ली है। इसके बाद चलते हैं अपने टेरेस एरिया की ओर। ये आपका टेरेस एरिया है जिसके अंदर आपको सारी की सारी फैसिलिटी इन फ्लैट ही मिलने वाली है। सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे आपका क्लब एरिया आ जाता है। ये आपको यहाँ पे बहुत ही बड़े साइज में आपको काउंटर टेबल यहाँ पे मिलने वाला है। इसी के बाद ये तो आपका ये वाला एरिया हो गया, इसके साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है मूवी थिएटर। तो इस तरीके से आपका इन होम मूवी थिएटर बनाया गया है, 50 सीटर यहाँ पे आपका मूवी थिएटर है। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है मूवी थिएटर में। चारों तरफ से आपका लोअर से डिजाइन किया गया है, वुडन टेक्सचर की टाइल्स लगाई गई है, ऊपर भी वुडन टाइल्स का ही वर्क किया गया है, हर जगह से आपके फैंसी लाइट रखे गए हैं। यहाँ पे आपका बहुत ही बड़े साइज में प्रोजेक्टर भी लगाया गया है, दोनों साइड से बहुत ही बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। पूरा जो मजा आप मूवी थिएटर में लेते थे वो सारा मजा यहाँ पे मिलने वाला है। सारी चीजों का ध्यान यहाँ पे रखा गया है, 3 स्टेप्स यहाँ पे 4 स्टेप्स यहाँ पे बनाए गए हैं जो सभी लोगों को आगे मूवीज का मजा मिले, तो आराम से आप कहीं से भी कनेक्ट करके मूवीज देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने प्ले एरिया की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एक पूरे आपके गार्डन टेरेस पे चेयर टेबल सारे लगाए हुए हैं। तो ये आपका प्ले एरिया आने वाला है, बॉल पूल आप यहाँ पे खेल सकते हैं, 2 गेम्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, सुपर मारियो भी यहाँ पे लगा हुआ है, आप आराम से इसे खेल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्ले एरिया होने वाला है। इसी में आपको यहाँ पे एक टीवी भी लगा के दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा इस साइड था आपका मूवी थिएटर और ये अपना हो गया प्ले एरिया। इसके बाद चलते हैं अपने जिम की ओर। तो ये आपका जिम होने वाला है, आप बाहर से लुक देख सकते हैं, पूरा जिम वाला ही तैयार किया गया है। तो ये पूरा आपका इन होम जिम भी दिया हुआ है, आपको अपने फ्लैट से कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें आपको यहीं पे मिलने वाली है। इस सेट की बात करें तो सारे अलग अलग वेट के आपके डंबल रखे हुए हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे मशीन रखी हुई है, ये आपके साइकिलिंग मशीन है, रनिंग मशीन है, तो सारी की सारी यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। ये पूरा आपका जिम है। इसके बाद चलते हैं अपने लाइब्रेरी की ओर। तो ये अपना एरिया जो है लाइब्रेरी का है, आपको यहाँ पे कुछ सीटें यहाँ पे रखी हुई मिलेंगी, आप अपनी बुक ले सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं,
अभी इतनी बुक्स देख रही है, बहुत तरह की बुक्स यहाँ पे आने वाली है, अपने भी बुक आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी एरिया है, वेंटिलेशन आपको हर जगह से मिलने वाली है, ऊपर पीवीसी पैनल्स भी लगाए गए हैं, तो पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे रखा गया है, पूरा वर्क आपका टाइल से किया गया है। तो आपने अभी तक चार चीजें देख ली है, इसके बाद बीच में ही आपने वहां से एंट्रेंस करी थी, एंटर करते ही ठीक सामने आपका मंदिर एरिया आने वाला है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति रखी है और ये आपका मंदिर एरिया है। इस साइड से आपको योगा का स्पेस मिलने वाला है और ठीक सामने आपको स्विमिंग पूल भी, छोटा सा मिनी स्विमिंग पूल आपका बनाया गया है। और इस साइड से आपको बहुत ही बड़े एरिया में प्ले एरिया यहाँ पे मिलता है, आप सारी चीजें यहाँ पे खेल सकते हैं। फुटबॉल के लिए आपको दोनों तरफ कोर्ट दिखेंगे, यहाँ पे आपका बास्केटबॉल है, क्रिकेट आप खेल सकते हैं, नेट चारों तरफ लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा टेरिस है, सारी चीजें आपने देख ली, चाहे वो मूवी थिएटर हो या प्ले एरिया वहां पे हो, बॉल पूल हो, उसके बाद जिम हो, इसके बाद लाइब्रेरी हो, यहाँ पे आपका बहुत ही बड़ा प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल है, मंदिर है, सारी की सारी चीजें आपका टेरिस में ही होने वाला है। पूरा का पूरा प्लॉट 900 गज का है, जिसमें से मैंने आपको अभी 100 गज की एक 3 BHK की यूनिट दिखाई है। तो कैसा लगा है फ्लैट कमेंट करके जरूर बताइएगा। की फीचर्स तो आपने देख लिया है, सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका उत्तम नगर वेस्ट है, फ्रंट में आपको 30 फुट का रोड मिलता है, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, लिफ्ट की फैसिलिटी आपको मिलती है।